मित्रों नमस्कार। मित्रों आज मैं आपके लिए एक विशेष विषय वस्तु लेके आया हूं। वो क्या है कि लोकसभा चुनाव आ गए हैं और कुछ ही महीनों में होने वाले हैं, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कि अब की बार इस चुनाव में विजय प्राप्त कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये भी बहुत जरूरी विषय है। और उनकी उनकी ये कुंडली उन लोगों के लिए भी बहुत जरूरी है जो उनकी विचार शैली से सहमत हैं, और उनके लिए और से ज़्यादा जरूरी है जो उनके विचार शैली और उनके जो कार्य करने के तरीके से संतुष्ट नहीं रहते हैं, जो उनकी विचार शैली के विरुद्ध रहते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में एक रंग से राजा का समय तय किया है और उन्होंने अपने जीवन में ऐसी सफलताएं प्राप्त की है जो किसी के लिए भी आसान नहीं है। इसलिए हम अपने जीवन में क्या ऐसे चेंज करें, ये उनके लिए इंपॉर्टेंट है जो उनकी विचार शैली से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, कि हम अपने जीवन में और अपनी कार्य शैली में क्या चेंज करें जिससे हम उन सफलताओं को भी प्राप्त कर सके जो हमारे भाग्य में नहीं। आइए अब बात करते हैं उनकी कुंडली के बारे में, ज्यादा समय ना लेते हुए। ये देखिए इमेज में उनकी कुंडली है, उनकी वृश्चिक लगन है और उनकी राशि भी वृश्चिक है। उनकी लग्न में मंगल और चंद्रमा है। चंद्रमा यहाँ पे नीच राशि में स्थित है, क्योंकि चंद्रमा वृश्चिक में नीच राशि में हो जाते हैं और मंगल अपनी सौ राशि में स्थित हो जाते हैं, जिससे ये उनकी नीच भंग राजयोग होता है। मैं बता दूं एक बात आपसे बताना चाहता हूँ, माननीय नरेंद्र मोदी जी में 38 महायोग बने हैं, लेकिन मैं कुछ एक ऐसे विशेष योगों के बारे में बताऊंगा जो उन्हें एक चक्रवर्ती सम्राट की तरह कार्य करने में और चक्रवर्ती सम्राट बनाने में बहुत ही सहायक हुए हैं। अब पहला जो नीच राजभंग योग होता है, ये राजयोग से ज़्यादा फलित करता है, और दूसरा आपका इनके एकादश भाव में जो सूर्य हैं जो नीच राशि में जा रहे हैं अपनी, क्योंकि सूर्य तुला राशि में नीच के हो जाते हैं, लेकिन बुध अपनी सौ राशि में होके वो भी नीच भंग राजयोग बना रहे हैं, देखा। और उनके लग्न में मंगल रूचक योग बना रहे हैं, जिस प्रकार उनमें साहस बहुत है, आत्मबल बहुत है, जिसके कारण वो अपने जीवन में किसी भी परिस्थिति में घबराते नहीं हैं। उनके जीवन में ऐसा होता है कि वो इतने कर्मशील व्यक्ति हैं, वो किसी भी काल को चाहे छोटा हो या बड़ा हो किसी काम को करने में कभी भी शर्माते नहीं है या किसी काम को हिक दिख नहीं होता है। वो कोई भी छोटा वर्ग हो या बड़ा वर्ग हो, वो उसी सम्मान की स्थिति से उसको देखते हैं, एक जैसा देखते हैं। ये उनकी कार्यशैली है जो उनके बुध एकादश भाव में गए हैं। बुध एकादश में भाव में जाने से क्या होता है, बुध जो हैं वो वाणी के होते हैं। इनकी वाणी ऐसी है कि ये अपनी बातें मुस्कुरा के कहते हैं, और इनकी भाषा शैली ऐसी है कि ये जब बोलते हैं तो इनके मन में अपने आप विचार उठने लगते हैं। ये समाज के हित को लेके, दूरदर्शिता को लेके बातें करते हैं जो इन्हें इनकी ये कभी भी किसी को ना याद करके पढ़ते हैं, ना किसी देख को पढ़ते हैं, ना किसी, जब भी ये भाषण देते हैं तो कभी भी ये उपदेश नहीं करते हैं, इनके शब्द अपने आप निकलते हैं। और इनकी भाषा ऐसी होती है, इनकी शैली ऐसी होती है, जब लोग इनकी इनकी भाषा इनके वक्तव्य सुनते हैं तो वो सुनते ही रहते हैं, उनमें एक अलग सा जादू होता है। अब बात करते हैं उनके कुछ माइनस पॉइंट की। राहु इनके पंचम भाव में बैठे हैं, जो पंचम भाव क्या होता है, उस जगह के सुख को हटाता है। इन्हें अपनी विद्या से सब कुछ मिला है, जो
इन्होंने पाया है, अपनी विद्या से पाया है, और इन्होंने पंचम भाव में बैठने से क्या होता है, व्यक्ति तरक्की करता है अपने ज्ञान से, अपनी बुद्धि से। लेकिन उसके दूसरे सुख का आराध हो गया, इनको संतान प्राप्ति नहीं हुई, इसलिए इनके इस चीज को इनका हराज हुआ है। आओ अब बात करते हैं इनके सप्तम भाव की, जो जो कि वृष राशि है। इस भाव का स्वामी इनके गया है दसम भाव में, और इसकी एक राशि है आज की बारहवें भाव में। ये ऐसा होने से इनको जीवन के जितने भी आधुनिक सुख होते हैं वो सारे मिलते हैं। ऐसा व्यक्ति ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा होता है, उसका पहनावा बहुत अच्छा है, वो हर चीज को सिस्टमैटिक करना चाहता है, हर चीज उसकी सिस्टमैटिक होती है, अनुशासन में होती है। इसीलिए ये लाइट रंग के कपड़े ज्यादा पहनना पसंद करते हैं, और हर चीज भौतिक सुख इनको मिलती है। ऐसा व्यक्ति धन के मामले में बहुत ज्यादा, लेकिन इनको धन के प्रति ज्यादा लोभ नहीं है, लेकिन ये व्यक्तित्व इनका इतना अच्छा है सुख के कारण इनके व्यक्तित्व में एक बहुत ज्यादा अनुशासन नजर आता है, और हर चीज सिस्टमैटिक रहती है। इनके केंद्र में गुरु हैं और शुक्र हैं। शुक्र दानों के गुरु होते हैं, और आपके गुरु देवताओं के गुरु हैं। दो गुरु जब एक साथ आमने सामने होते हैं तो उसका मतलब होता है व्यक्ति का जीवन किसी एक विशेष काल के लिए होता है, और उसका जीवन जो होता है समाज के हित के लिए होता है, क्योंकि गुरु कभी अपने बारे में नहीं सोचता है, हमेशा समाज के हित के बारे में सोचता है। ये वैसे ही कार्य कर रहे हैं, और इनके एकादश भाव में जब केतु बैठते हैं, ऐसा व्यक्ति बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल होता है, आध्यात्मिक होता है, वो अपने धर्म के प्रति बहुत ज्यादा सिस्टम में रहता है, अपने धर्म के प्रति बहुत ज्यादा उसके मन में एक विशेष स्थान होता है, किसी धर्म का अनादर नहीं करता है, लेकिन अपने धर्म को और अपने जीवन को अनुशासन में रखता है। ऐसा व्यक्ति खाने का पसंद होता है, लेकिन सिस्टम से, हर चीज सिस्टम, उसका उठना बैठना रहन सहन हर चीज सिस्टम से रहता है, अनुशासन प्रिय ज्यादा होता है। इस प्रकार ये जो योग बने, ये उनके उनके विचार शैली और उनके स्वभाव को दर्शाते हैं। उनके में एक बहुत ही अच्छा योग बना है, सम्राट योग। सम्राट योग जब व्यक्ति को बनता है तो व्यक्ति चक्रवर्ती राजा होता है। चक्रवर्ती राजा तब होता है जब और भी देशों के लोग, और भी राज्यों के लोग उसके अधीन होते हैं। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं, उनकी विदेश नीति अच्छी है, इतनी अच्छी है कि समाज के और अलग अलग देशों के लोग उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित भी हैं। ऐसे व्यक्ति की एक हल्की सी एक माइनस पॉइंट होता है कि इसके जो अपने लोग होते, खास लोग होते हैं, वो उतना ज्यादा नहीं पसंद करते जितना बाहर के लोग। सूर्य इनके एक डिग्री में है, नीच राशि की ओर बढ़ रहा है, जिसके कारण इनको पिता का सुख कम मिला है, लेकिन माता के भक्त ज्यादा हैं, क्योंकि चंद्रमा इनके इनके लग्न में है, जिसके कारण ये माता के प्रति ज्यादा समर्पित रहते हैं। माता का इनके जीवन पे बहुत ही प्रभाव है। ऐसा व्यक्ति जीवन में बहुत ही निचले स्तर से उठकर उच्च स्तर तक जाता है। जिस व्यक्ति के लगन जो होता है वो गुरु के आधिपत्य होता है, ऐसा व्यक्ति कुछ महत्वाकांक्षी होता है। ऐसा व्यक्ति ऐसे कार्य करता है जो उसका नाम सदियों तक ले, और वो समाज के हित में रहे। ऐसे व्यक्ति के अंदर कुछ एक महत्वाकांक्षा होती है कि वो ऐसे कार्य और करता है जिससे समाज का दे, और ऐसा व्यक्ति हर समय कुछ ना कुछ सोचता रहता है। जब चंद्रमा मन में होता है तो हर व्यक्ति कुछ ना कुछ सोचता रहता है, और वो जब भी कोई चीज देखता है तो उससे क्या भला हो सकता है, क्या अच्छा हो सकता है, इस बारे में गहनता से अध्ययन करता है। ऐसे व्यक्ति के अंदर 500 साल बाद क्या होगा, उसकी भी उसके अंदर एक योजना होती है कि इतने साल बाद ऐसा समय आएगा तो ऐसा ऐसा किया जाए।
तो वो अपने समाज को सुरक्षित रखता है, अपने परिवार को सुरक्षित रहता है, और जिसके प्रति उत्तरदायित्व होता है उनको भी सुरक्षित रहता है। ऐसा व्यक्ति बहुत मान होता है। इस प्रकार हम इनके जीवन से इनकी कुंडली से इस प्रकार जान सकते हैं, अपने मन में अपने स्वभाव में ऐसे चेंजेस करें जिससे हम इनके तरह बन पाए और अपने भी चरित्र को इतना ऊर्जावान बना सके। नमस्कार, मैं इसी प्रकार आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो लाऊंगा जिससे हम अपने जीवन को और ज्यादा प्रतिभावान और ऊर्जावान बना सके। नमस्कार, मैं आचार्य शुक्ला आपके सुखद और अनुशासित जीवन के लिए हमेशा कामना करता हूं।